आपने शायद मेरे बारे में कभी सुना हो। जी बताएं। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश जी। और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना करने का मॉडल है। अच्छा। चूंकि मुझे बताया गया कि आप इस बारे में मीटिंग यहाँ करने वाले हैं, तो जी। मुझे लगा कि मैं आपसे चर्चा करूं। जरूर और जरूर। क्या उस मीटिंग में जो आपका अभियान है वो तो आप करते रहिए, क्योंकि जो मॉडल मैं कह रहा हूँ वो तो तब जमीन पे उतरेगा जब हम सफल होंगे, राइट? तो जी तब तक जो क्रियाकलाप कार्रवाई आप करना चाहते हैं वो जी करते रहिए, लेकिन यदि आप मुझे सुन लेंगे तो बहुत आसानी से आप ये समझ पाएंगे कि हम किसानों की आमदनी बिना किसी धरने के, बिना किसी जुलूस के, बिना किसी पुतला दहन के, बिना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, और जी ना ही किसी जो है कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाए, और बिना जंतर मंतर पे धरना दिए, मात्र जो है अपने किसान भाइयों को जोड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब को सब्सक्राइब करके और ऐप को डाउनलोड करके 10-10 लोगों को जोड़ने की यदि हम कार्रवाई में संकल्प और शपथ लेके बढ़ते हैं, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और यदि ये 100 करोड़ लोग संकल्प और शपथ के साथ जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि साहब आप एक किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे बढ़ाई जाए, ये जो है मैथिली शरण गुप्त पे छोड़ दीजिए, बस आप एक टास्क फोर्स गठित कर दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और जी हम आश्वस्त करते हैं कि भारत सरकार पे एक पैसे का खर्च नहीं आएगा, और जी साथ में हर भारतीय को जो है अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा। और इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है, जिससे भारत सरकार के पास आज जो वो विभिन्न साधनों से कमा पा रहे हैं उसका 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा। जी और हमारी शर्त है कि फिर आपको टैक्स मुक्त भारत करना होगा। जी जी हमारे हर मॉडल में दो अकाउंट का प्रावधान है हर भारतवासी के लिए, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जी तो जब आपको पैसे की आवश्यकता है और पैसा नहीं है, तो आपको किसी बनिए के पास, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, किसी बैंक के पास नहीं जाना होगा। आपको जी अपने ही डेबिट अकाउंट से, वो भी ऑटो स्वाप से, पैसा मिल जाएगा। जी और यदि आपको जो अर्निंग होगी तो उसमें अपने आप बढ़ जाएगा, और यदि नहीं पट पाया तो आज जैसा होता है वैसा नहीं होगा। आज क्या होता है कि एक नोटिस आ जाएगा कि आपको ने इतना पैसा लिया था और अभी तक नहीं दिया है, आप हाजिर होइए और पैसा जमा करिए, नहीं तो हम वारंट जारी कर देंगे और आपके जमीन मकान की कुर्की कर देंगे। आज का तो कानून यही है कि नहीं? जी जी और जी बैंक वाले रोज कुर्कियां भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारा मॉडल कहता है कि ऐसा नहीं होगा। सिस्टम में बैठे लोग जो है सुनीलम जी को फोन करेंगे कि सुनीलम जी, आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है और आपकी इतने इतने लाइबिलिटी हो रही है, मैं आपको समर्थ बनाने के लिए और आपको समृद्ध बनाने के लिए आपसे मिलना चाहता हूं, आपको कब जाना आप मुझे समय देंगे? और वो आपके आवास पर पहुंच के आपसे मंतव्य करके, आपकी हुनर, आपकी शिक्षा को जानते हुए, आपके सोच और उसके हिसाब से आपको आगे ट्रेनिंग दे के, टूल्स दे के, जो भी चाहिए, और टीम बनाकर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा और आपको समृद्ध बना देगा। जी और जहां तक किसानों वाली बात है तो वो भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। ये मॉडल क्या कहता है कि देखिए, भारत सरकार क्या कह रही है कि भाई साहब, हम आपको एमएसपी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि भारत सरकार पर 100 करोड़ का दस नहीं 10,000 करोड़ का जो है बोझ आएगा। यही कहना है ना भारत सरकार का? जी हम इसका उल्टा कह रहे हैं कि भाई साहब, हम आपको 1 एमएसपी दे देंगे जब आप खाद्यान्न आपके खेत से बाहर निकलेगा, और खाद्यान्न के मालिक आप बने रहेंगे, और खाद्यान्न को लेके आपको मंडी में नहीं जाना होगा। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि इसको खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है, वहां के वेयर हाउस, वहां के होलसेलर, रिटेलर,
तक वो चीज पहुंचाई जाएगी और फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचाई जाएगी, और इस पूरी प्रक्रिया में किसान ही उस खाद्यान्न का मालिक है एक एमएसपी मिलने के बाद भी। तो आज जैसे जो बनिया है, हम जैसे लोग जो है खरीदते हैं और फिर कहीं होर्डिंग करके उसकी आर्टिफिशियल स्कर्सिटी क्रिएट करके उसको मनमाने दाम पे बेचने का प्रयास करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं जी। अब इस मॉडल में जब खाद्यान्न का मालिक वो बनिया है ही नहीं, तो फिर जो है उसे केवल जो सर्विस वो दे रहा है उसे उसका सर्विस शुल्क मिलेगा जी। राइट, वेयर हाउस वाले को जो सर्विस दे रहा है उसका मिलेगा, होलसेलर को उसका मिलेगा, रिटेलर का उसका मिलेगा, और होम डिलीवरी बॉय को भी उसका मिलेगा, और कंज्यूमर एंड पर क्वालिटी कंट्रोल की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी उसके घर पर और वो भी अधिकतम 3 MSP में मिलेगी। तो 1 MSP जो किसान को ऑलरेडी मिल चुका है, ये 2 MSP भी जो है बची हुई किसान के ही डेबिट अकाउंट में अमाउंट की जाएंगे, उनके डेबिट अकाउंट में किसान के जाएंगी, और उससे जो है किसानों के जो खेत में काम करने वाले मजदूर से लेके बीज से लेके ये जो रिटेलर होलसेलर जो भी सेवाएं दे रहे हैं उससे भुगतान की जाएंगी। तो आप बताइए आपका खर्च जीरो हो गया कि नहीं हो गया, आपको मंडी में भटकना नहीं पड़ रहा है, कंज्यूमर को अधिकतम 3 MSP में जो है ना वो चीज मिल जा रही है जो कि 6-7 MSP में आज खाने के लिए वो लेने के लिए मजबूर है, और जो बचे हुए 2 MSP हैं उससे जो है चूंकि बाकी सब भुगतान हो रहे हैं तो किसानों को बिना किसी खर्च के 1 MSP मिल रही है, विच अमाउंट टू 5 times ऑफ इस इनकम। आज जो वो कमा पा रहा है उसका 5 गुना हो गया और उसके जेब से पैसा भी नहीं लग रहा है। तो आज जो है वो कई जगह से कर्ज लेता है, कर्ज के लिए वो जमीन बेचता है, जो सब नेगेटिव तांडव हैं वो सब खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कुछ सवाल करूं डीजीपी सर? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए जी। एक तो ये कि आपने इसका कोई प्रेजेंटेशन बनाया होगा सरकार के पास में, जब जो भी तो काफी पुराने हैं तो जो चीफ मिनिस्टर्स रहे या जो कृषि मंत्री रहे उनके साथ में आपने इसको डिस्कस किया है क्या? संभवतः उन्हें समय नहीं मिला, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे और होम मिनिस्टर से भी डिस्कस करना चाह रहे थे। हाँ, कृषि मंत्री से मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन उस लेवल पे प्रयास किया सिटिंग डीजी के बतौर, मैंने डीओ लेटर भी लिखा उनको और मैंने कहा कि 15 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे दूंगा और आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। ये किसको कहा आपने? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा और अमित शाह को कहा और वो डीओ लेटर के माध्यम से कहा, उस समय सिटिंग डीजी था। और फिर मैंने 31 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा कि अपराध मुक्त भारत और 21 महालक्ष्य जमीन पे उतारने के लिए आपको करना क्या होगा और उसके लिए कानून का क्या ड्राफ्ट होगा। तो उसका हमने नाम रखा था ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह भी बताने की कोशिश की थी कि जो हम बात कह रहे हैं ये संविधान की इस व्यवस्था के तहत दी गई है और उसका कानून का ड्राफ्ट बना के भारत सरकार को भेजा गया है जो अभी भी उनके विचाराधीन है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी भी जो है जब नए 3 कानून बने उसमें जो है नए 3 कानून में भी जो है उसका ध्यान नहीं रखा गया और ये दुर्भाग्य का विषय है कि कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। अंग्रेजों का जो गुलामों का कानून है वही हमारे ऊपर थोप दिया गया है, कुछ और कठोर प्रावधान भी कर दिए हैं, तो हम जो है हमारी स्थिति में कहीं कोई सुधार नहीं आया है। थाने से अभी भी हमें भगा दिया जाता है, अभी भी FIR दर्ज नहीं होती है, अपोनेंट से पैसे लेके राजनीतिक दबावों में फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, एक व्यक्ति की गलती होती है 10-10, 12-12 लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है और वर्षों वर्ष वो प्रताड़ित होता रहता है। आज आम आदमी
वर्षों बरस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए विवश है, नेताओं के चक्कर लगाने के लिए विवश है, उसे कहीं राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, तो मैंने इसलिए आपको फोन किया। हमारे जो है वकील साहब पुष्पराग जी हैं, उन्होंने कहा कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप सुनीलन जी से बात करिए। मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। जी जी जी, तो मुझको देते तो मैं भी आपसे बात कर लेता। नहीं नहीं, तो एक ही चीज है, देखिए अल्टीमेटली मकसद है कि हम वार्तालाप करें, और मकसद है कि आपका यदि जो आयोजन हो रहा है, यदि उसमें आप मुझे कुछ प्रेजेंटेशन या बातचीत रखने का मौका देंगे, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं, जो अभी आप धरना प्रदर्शन जो भी करना चाहते करते रहें, क्योंकि वो प्रक्रिया है, उसको ठंडा नहीं होने देना है। मेरा सिंपली इतना कहना है कि जुड़ जाइए, 10-10 लोगों को जोड़ने का, जहां भी आप जाते हैं उनको जोड़ते जाइए, हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। फिर हमारी बात सुनने के लिए हमें जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत कुछ नहीं करना होगा, हमारी प्रार्थना उनको बेबस करने के लिए पर्याप्त होगी। और इस मॉडल में एक चीज और भी है कि यदि हम एक बार ये मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को नहीं मानते हैं, जबकि उनके ऊपर कोई खर्च भी नहीं आ रहा है, और हम उनके उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनको भी दिमागी खर्च नहीं देना चाहते हैं, हम बड़ा आसानी से जो है स्वयं जो है ना सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, और उनको भारत सरकार को जो है 10 गुने से ज्यादा पैसा तो अकेला क्राइम फ्री भारत के मॉडल से मिल जाएगा। लेकिन यदि बातचीत नहीं समझ में आती है, तो ये मॉडल ये भी कह रहा है कि फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवस नहीं है। ये जो 100 करोड़ तक पहुंचाने वाले जो भागीरथ लोग होंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, और उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। हम 100 करोड़ लोग उनको विजयी बना देंगे। जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, जब मॉडल भी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तो उसे जमीन पर उतार देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, फिर हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है क्या? आज हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है कि वो यदि बात मान लेते हैं, तो वो हमारे बोर्ड से वहां पहुंचे हुए हैं। ये उनका पदी कर्तव्य भी है कि वो हमारी बात सुने। यदि ऐसा कोई मॉडल है जो इस भारत को जो है ना बदल सकता है, तो उस मॉडल पे विचार करना उनकी पदी जिम्मेवारी है, है कि नहीं? सुनीलम जी, आप हमारी बात से कहां तक सहमत दिख रहे हैं? नहीं, असल में मैं तो क्या है कि उतना ज्यादा समझना एक बार में, अगर आपका कुछ आपने लिखा होगा, वो जो आपने डीओ लेटर्स भेजे, मतलब वो तो सिंपल डीओ लेटर है, उसमें तो प्रेजेंटेशन की कॉपी भेजी गई थी, वो पुरानी बात है, 2018 की बात है। फिर भी अभी हम जैसे मेल वगैरह भेजते रहते हैं, हम अपनी बात अभी करते ही रहते हैं, क्योंकि संवाद तो बना के रखना चाहिए, उन्हें समय मिले चाहे ना मिले, हमारे तरफ से प्रयास होना चाहिए। तो बीच बीच में जैसे मैं उनके ऑफिस से बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि साहब आप ईमेल भेज दीजिए, हम ईमेल पे जो है ना अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे, तो अब तक 2-3 ईमेल भेज चुके हैं, आगे भी भेजते रहेंगे। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, कृषि मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, इन सबसे कोई आपकी अभी किसान वाले मॉडल पे नहीं किए है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने माननीय शिवराज सिंह जी से मिला जाए, अब वो कृषि मंत्री हैं, उनका भी पदीय दायित्व है, हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी प्राथमिकता नहीं है, ये अच्छा समर्थ भारत नहीं चाहते हैं। जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, वो अच्छा और समर्थ भारत क्यों चाहेंगे? जाति आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, संकीर्ण राजनीतिक आधार पर बाहुबली, धनबली और अपराधियों को टिकट देते हैं, और फिर अपराध घटित करते हुए जीतते हैं, फिर धन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। तो आज जो सत्ता में बैठा हुआ है वो छोटा चरित्र का व्यक्ति है, चाहे वो जो है कितने भी बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूं कि लोगों को थोड़ी सी समझ आए, यदि उनका कुछ नहीं जा रहा है, उनको दिमागी कसरत भी नहीं करना पड़ रही है, सामने वाले ने इस पे बहुत होमवर्क किया हुआ है, तो एक टास्क फोर्स बना दीजिए। टास्क फोर्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, टास्क फोर्स में जो ना ये लोगों को इकट्ठा करने की मेरी जिम्मेवारी होगी, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, ऐसे लोग लाखों में अवेलेबल हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है।
जी, है ना। तो एक तो बात यह है कि मैं सर आपके साथ में मैं बैठता हूँ। ठीक कल है, की हाँ जो मीटिंग है, इस मीटिंग में क्या है, ये संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है। जी, इसमें जो प्रक्रिया हम लोगों ने अपनी अपनाई हुई है, वो ये है कि एक कोर कमेटी है हम लोग की, 8-10 लोगों की। वो इस पे जो भी इश्यूज होते हैं उस पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में एक एनसीसी बनी हुई है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो 50 लोगों की है। उसमें ओके, डिस्कशन होता है, फिर एक जनरल बॉडी है, उसके अंदर वो बात जाती है और वो तय होती है। अब उसके हिसाब से जो चीज तय हुई है, कल हम लोगों की चर्चा केवल उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए होने वाली है। नहीं तो आप उसमें और ऐसा कर सकते हैं कि अगली मीटिंग में जो है, यदि हाँ इसको एक मतलब पॉइंट मैं ये चाहता हूँ कि जी मतलब एक आपका बहुत सीरियस एफर्ट है, तो सीरियस ही इसके ऊपर पहले से लोगों को एक ड्राफ्ट भेज के, और जो लोग हमारे सर्किल के या और भी लोग, भाई बहुत सारे लोग हैं, जन संगठनों के लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और तमाम सारे इस देश की चिंता करने वाले लोग हैं, उन सबको थोड़ा सा मेहनत करके, और इसमें पुष्पा जी भी, हम भी सब लोग मिलके करेंगे, ठीक और है। फिर एक है ना मेधा जी भी, जैसे हम लोग जो लोग साथ में काम करते हैं, है ना, उसको इन्वॉल्व करके एक अच्छे एक मीटिंग की जाए जो इसी पे फोकस्ड हो, बहुत है सुंदर, ना। बहुत उससे बहुत क्या होगा सुंदर। कि उससे उससे कुछ नतीजा आप निकलेगा, बिल्कुल ठीक कह है रहे ना। हैं कि वो मीटिंग या तो ये होगा कि सब लोग मिलकर के ये कहेंगे कि आप साहब जो है, आपने जो बनाया है ये प्रैक्टिकल नहीं है, या ये है इसमें कमी ये है, या ये कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया है, अब इसको हम सब भी आपके साथ में चल रहे हैं और फिर बात आगे बढ़ाई जाए। तो बिल्कुल ठीक फिर बात। क्या है कि यदि यदि उसमें एक कोई प्रैक्टिकलिटी की कमी दिखाई देगी तो उसे ठीक कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल 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 मैं वही कह रहा हूँ। तो क्या है कि एक जो प्रोसेस, जैसे आपने कानून की बात कही थी, है ना, हम लोगों ने, हम लोग जो लोग हैं, कम से कम अब हमारा मुल्ताई का किसान आंदोलन से शुरुआत से 28 साल हो गए, अब ऐसे ही पूरे बहुत सारे लोग हैं, कई किसान आंदोलन से 1936 से सहजानंद सरस्वती जी के जमाने से कर रहे हैं, मतलब संगठन के तौर पे, तो वो लोग अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। तो सब जब हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जब ये दो चीजें चाहते हैं, है ना, एक संपूर्ण कर्जा मुक्ति और एक C2+50% के ऊपर कानूनी खरीद, समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी, ये दो, तो फिर हम लोगों ने कानून बनाया। कानून किसानों ने पूरे एक्सपर्ट्स पूरे देश भर के जो भी उपलब्ध हम लोगों को थे, है ना, अलग अलग स्टेट यूनिट्स के पास में, पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश, जो भी लोग को उपलब्ध थे वो बनाए। और फिर हमने कहा कि भाई ये कानून जो है ये तो पारित पार्लियामेंट में होगा, तो पार्लियामेंट के जब पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट किया, भाई हमने कानून बनाया है, पॉलिटिकल पार्टीज का तो एरोगेंस एकदम फुल है, सत्ता में रहते हैं, भले ही विपक्ष में रहें लेकिन सत्ता में आने की उम्मीद रहती है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप किसान को कब से आने लगा कानून बनाना, है ना, मतलब हम जो है, हम इसमें क्या, हम क्या करेंगे भाई, कानून अगर आप ही बना लोगे तो ये काम तो हमारा है, हम जो है कोई 7 बार रहा, कोई 5 बार रहा, है ना, वो नहीं रहे तो नहीं उनकी तो अकल का, पार्टी रही, अकल का है ठेकेदार ना। नहीं, अकल के ठेकेदार नहीं है ना वो, ना हाँ उनकी लेकिन शिक्षा लेकिन है, ना लेकिन सोच है, ना उनको चरित्र लेकिन है। और लेकिन यदि वो कह उनको, रहे हैं कि पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं तो ये हाँ दुर्भाग्य का विषय है कि गलत लोगों को टिकट दिए गए हैं और गलत लोगों को जो है ना गलत तरीके से जिता दिया गया है, कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है। वो यदि अपने आप को बड़ा महान मान रहे हैं तो मुझसे साक्षात्कार कर ले, मैं किसी से भी साक्षात्कार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ खैर, ये सब बातचीत जब हो गई, हमने कहा कि भाई आप ही लोग ज्ञानी हैं, तो हमने जो ड्राफ्ट बनाया है हाँ आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ हमने 22 पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया, ओके और उसमें मतलब शरद पवार, क्योंकि कृषि मंत्री रहे वो भी थे, खड़गे जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो भी थे, राम गोपाल यादव, मतलब सब जो भी सब पार्टियों के जितने भी धुरंधर, सबको इकट्ठा किया, सबको पहले ड्राफ्ट बांट दिया। अब उसके अंदर वो मुश्किल से मतलब कहीं छोटा मोटा कोई परिवर्तन कर पाए, कोई कॉमा फुल स्टॉप में ग्रामर की दिक्कत हो, वो सब उतना ही सा कर पाए। तो फाइनली ये हुआ कि सबने दस्तखत किए, 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे ड्राफ्ट में, तो जब 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने दस्तखत किए तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पार्लियामेंट में पेश हो, तो हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी पेश करवा दिया उसको। फिर ये हुआ कि क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी तो नहीं लिया गया, बात आगे नहीं बढ़ी, चुनाव हो गया,
चुनाव जो अभी हो गया, तो अब हमने ये ड्राफ्ट देश के सभी सांसदों को हमने सौंपे, ये दो ही मुद्दे के ऊपर केवल, संपूर्ण कर्जा मुक्ति और C2+50 पर समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी सबको सौंपे। और फिर हम जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है तो राहुल जो है उनसे मिले और उनसे कहा कि भाई ये 234 इंडिया गठबंधन के हैं, सबकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल आप लाइए और इसके ऊपर सरकार को प्रेस करिए और ये दो बिल हमारे पारित कराइए। और हमने मुलाकात सबसे की, है ना, पिछला जो थे नरेंद्र सिंह तोमर से लेके सभी लोगों से पहले भी मुलाकात की, 8-7-8 राउंड उस समय भी बात हुई थी जब आंदोलन चल रहा था। तो कोशिश, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि एक पूरा प्रोसेस के थ्रू अगर हम जाएंगे तो जो आपकी मेहनत है या जो आपका जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर बात कही, तो उसी के ऊपर करें तो ये अच्छा है, ये मेरा आपको सजेशन है। और नहीं, मैं आपकी बात को पूरी तरह सहमत हूँ। अब ये है कि क्योंकि हम लोग जो है अभी समय जो भी कुछ चल रहा है वो तो धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से ही ये है, हम लोगों ने कि समर्थन मूल्य वाला चालू किया। हाँ हाँ, तो ये है कि पहले अभी 3500 का रेट हो गया था सोयाबीन का। हाँ हाँ, तो 10 दिन के आंदोलन में वो मतलब 4000 क्रॉस कर गया है ना मार्केट के अंदर। हाँ हाँ, है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेज था। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रेस किया हुआ था कुछ मोनोपोली चलाने के व्यापारियों ने या सरकारी, हाँ, जिससे कि वो सस्ते में खरीद के फिर मुनाफा कमाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब वो हो गया सर। और फिर भी जब उन्हें लगा कि बात नहीं बनेगी तो फिर जो है CM ने तो लिखा ही नहीं था, शिवराज सिंह ने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई लिखित आया ही नहीं है कि हम खरीदना चाहते हैं। कर्नाटक ने और इसने हमसे, महाराष्ट्र ने कहा तो हमने उसको अनुमति दे दी है ना, और इनने कहा नहीं। तो फिर कल रात को इन्होंने कहा और कल रात को ही उन्होंने अनुमति दे दी। अच्छा, तो मतलब ये है कि एक प्रेशर काम कर रहा है। बहुत, तो हम क्या है कि हम उस प्रेशर को आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं। तो अभी उस ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग ये बात करेंगे कि जो है हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन की जरूरत ही नहीं है और काम आपका, तो हर ही आदमी चाहता ही है कि इससे अच्छी क्या बात है। तो कई लोग हमसे ही बोलेंगे, डॉक्टर साहब बताया क्यों नहीं आपने, आने की क्या जरूरत थी, हम खुद ही मतलब फिर हम तो चाहते ही घर से निकले ही ना। मतलब किसान जो है वो खेती बाड़ी के अलावा कहीं नहीं कुछ करना। देखिए, इस मॉडल को यदि इस मॉडल को आपने ध्यान से सुना है जी 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 जी, तो हम उसकी इनपुट कॉस्ट को भी जीरो कर रहे हैं। हाँ, वही मैं सबको आपसे कह रहा हूँ। तो इसलिए क्या है कि वो चीज एक सीरियस एफर्ट के तौर पर, हाँ, और उसमें देखिए अभी क्या है कि ये जो पूरा है सोयाबीन वाला मामला, ये सब एक महीने के अंदर सब निपट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सोयाबीन कट जाएगी, सोयाबीन बिक जाएगी, जो भी होगा जैसा भी होगा, और उसके बाद में फिर हम लोग ये आपका जो एक है बाकायदा इसका एक पत्र आपकी तरफ से बने, हम लोग कहीं पर मीटिंग करने का तय करें। बिल्कुल ठीक है, सब साथियों को बुलाएं। बिल्कुल ठीक है, पॉइंटेड डिस्कशन हो, मतलब जैसा होना चाहिए, कायदा कहता है कि भाई सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन हो। बिल्कुल ठीक है, बाद में एक मतलब पॉइंट वाइज उसके ऊपर डिस्कशन हो। बहुत सही, बहुत सही। देखिए, इसमें देखो वो एक कर्ज मुक्ति वाला भी है उसमें साथ में जी, मतलब देखिए किसान का इनपुट तो खर्च हो ही रहा है जी, यदि किसी कारण से उसको, चाहे लड़की की शादी के लिए या किसी अन्य कारण से या मकान बनाने के लिए, यदि उसको उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, उसे किसी बैंक के पास नहीं जाना होगा। तो जब वो कमाएगा तो अपने आप पड़ जाएगा, और यदि नहीं कमा पा रहा है तो उसे समर्थ बनाया जाएगा। इस मॉडल में कोई दिवालिया नहीं होगा, इस मॉडल में कोई फैक्ट्री फेल नहीं होगी। और जैसे जो फैक्ट्रियां भी है, फैक्ट्री के लिए भी मॉडल है, फैक्ट्री का मॉडल कह रहा है कि हम लाइफ टाइम वारंटी के साथ आएंगे। तो जब सुपीरियर वर्सन जो है ना, जब आ जाएगा या बन जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने मॉडल को विड्रॉ करके आपको सुपीरियर मॉडल देगा जी, और एक बहुत मार्जिनल कॉस्ट एनुअल मेंटेनेंस टाइप की लगेगी। आपकी मशीनरी आपके घर पे जो है ना
एकदम बिल्कुल नई चमकती हुई दिखाई देगी। और आगे चल के जो है ना इसमें एक कमीशन बनेगा, तो जितनी भी मशीनरी है राइट जी, वो उस कमीशन के पास पहुंच जाएगी और वो कमीशन जो है ना उसको यूज करेगा 24 घंटे, और वो मशीनरी आपको धनोपार्जन का साधन बन जाएगी। तो अभी तो आप उसको थोड़ा बहुत अपने अपने लिए अकेला यूज कर पा रहे हो राइट, 80-90% वो वैसे ही पड़ी रहती है, थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा काम आसपास मिल गया तो कर दिया ठीक है ना, अन्यथा वो मशीनरी उसकी बेकार पड़ी हुई, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे जेवीसी जेसीबी हो फलाना हो, तो वो सब चीजें भी लूप में ले ली जाएंगी। मतलब वो इतना पावरफुल मॉडल है कि ये भारत शत्रुघ्न हो जाएगा, और हर व्यक्ति जो है ना यदि उसे फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिल जाए, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिल जाए। आपने इस मॉडल का आपके जहन में कब ये एक तरीके का शेप अप हुआ? बेसिकली इट स्टार्टेड विद द ओनली पुलिसिंग दैट इज क्राइम फ्री भारत। लेकिन मतलब मेरा कहना है कि ये जो किसानों वाला आपने कितने साल पहले सोचा आपने? ये अब मेरे ख्याल से लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो वही मेरा कहना ये है कि अब मतलब देश इतना बड़ा है कि इसमें हमारी और आपकी बातचीत के लिए ही 5 साल लग गए, जबकि मैं तो मतलब देखिए यदि पुसुराग जी आपका नंबर मुझे नहीं देते तो शायद और 1-8 साल लग जाता। वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या है कि एक तरीके के सोचने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ उससे बिल्कुल। तो अभी तय ऐसा लगता है कि जो लोग काफी मतलब जिन्हें भारत सरकार से देखे और समाज सब सुनता है, जैसे पी साईनाथ हैं, उन्होंने बहुत काम किया, वो नेशन फॉर द फार्मर्स करके एक पीपुल्स इनिशिएटिव है वो चलाते हैं। ओके, अब वैसे लोग हैं या देवेंद्र शर्मा हैं जिन्होंने देश में बहुत बड़ा काम किया है सबके ऊपर, तो ऐसे सब लोगों को क्या है कि हम लोग जब उनको ये सब भेजेंगे, उनके उनको इन्वॉल्व करेंगे है ना, तो हो सकता है कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है आज जिस फॉर्म में है, फाइनली सबकी जो है इनपुट आते आते और एक सबकी सहमति के साथ में जो करते हुए उसमें बहुत सारी चीजें बदल भी जाएं। और रिफाइन हो जाएगा, रिफाइन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मुर्गी की डेढ़ टांग का तो कोई बहुत मतलब ही नहीं है, क्योंकि पर्पज ही उसका ये है किसानों और देश की के लिए है ये, एफर्ट के उस तो है ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर करेंगे तो वो अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर उपाय है। अब हम 2-3 चीजों पे आपकी सहमति मांगते हैं। पहली सहमति तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप मुझे 10-12-15 जो आपको लगता है कि लोगों ने बहुत मेहनत की है, यदि उनके नाम नंबर मुझे भेज देंगे तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। राइट राइट। दूसरा मैं चाहता हूँ कि हम लोग तो डिबेट करते ही रहेंगे, तब तक क्या हमारा एक क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल है, बल्कि वी आर अवेलेबल ऑन ऑल इंक्लूडिंग वी आर हैविंग अवर वेब पोर्टल ऑल्सो, तो तब तक हम चाहते हैं कि उन लोगों से बातचीत करके उनकी सहमति से यदि वो अवेलेबल होते हैं तो 30 मिनट वाला सेशन रख सकते हैं, सो दैट कुछ कुछ चर्चा कुछ कुछ बातचीत, जब तक हम फॉर्मली बैठ के बातचीत करेंगे उसके पहले एक एक हवा बनने चालू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसके पहले जो है ना, ये करने के पहले एक आपको जिसे कहते हैं उसका सिनॉप्सिस टाइप का आइडिया जो है ना, वो अगर आप मुझे मेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप ज्यादा आसान है, मैं आपको अभी भेज देता हूँ, और जब आप करेंगे तो फिर उसके ऊपर हम लोग फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्योंकि कोई को भी मतलब आपने मुझको पूरा समझाया तो जो है अब उसमें से जब मैं पढ़ूंगा तो और ज्यादा कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जो है आपका जो है वेब पोर्टल का लिंक भी भेजता हूँ, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेजता हूँ, क्राइम फ्री भारत का 21 लक्ष्य जिसमें बहुत है, मतलब किसान, हमने तो आपको चूंकि इसलिए किसानों वाली बात कही क्योंकि आप किसान से संबंधित थे, अदरवाइज ये तो देश को बदलने की बात कर रहा है, ये तो शत्रुघ्न भारत की बात कर रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि भैया जब आपके ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, हम धन का निर्माण भी खुद कर लेंगे, तो फिर आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि यदि इसके बाद भी हमारे वोट से चुने गए राजनेता हमारे हित में हमारी बात सुनने के लिए और उस पर विचारण करने के लिए तैयार नहीं है, और हम तो आपसे ये नहीं कह रहे हैं मेरी बात मान लो, मैं तो आपसे सिंपल इतना कह रहा हूं कि एक टास्क फोर्स बना दिए, जो लोग नाम आप बता रहे हैं
उस विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इकट्ठा करके वो टास्क फोर्स आपस में जो है ना उसको क्रिएट करेगी, जो टेक्नोलॉजी मॉडल उसको रिफाइन करेगी, और फिर इन्हीं हमारे चुने हुए नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदन करा लेंगे, और फिर हम उससे एक कदम आगे जा रहे हैं कि भाई साहब यदि आप नहीं मानोगे तो हम ये 10-10 लोगों को जोड़ने वाली कार्रवाई तो अभी जारी रखेंगे, तो हम बहुत थोड़े समय में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर हमें आपकी जरूरत नहीं है, फिर जो है जो क्योंकि वो मॉडल देखिए, यदि ये युग परिवर्तन का मॉडल है तो इट कैन नॉट बी बाय द प्लेजर ऑफ मैथिली शरण गुप्त और प्लेजर ऑफ सुनील यादव और एनीबडी फॉर दैट मैटर इवन फॉर नरेंद्र मोदी ऑल्सो, इट मस्ट मैनिफेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडीज। आप बात करें ना, यदि उसे, और हम तो ये कहेंगे कि यदि वो कॉस्मिक सोर्स का मॉडल है तो उसे मैनिफेस्ट होने के लिए ही दिमाग में आ रहा है, नहीं तो एक मैथिली शरण गुप्त एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक इंजीनियर हैं, उन्हें खेती से क्या लेना देना, उन्हें पेड़ों से क्या लेना देना, उन्हें गायों से क्या लेना देना, उन्हें जनसंख्या से क्या लेना देना है। तो एक व्यक्ति जो है इतना समग्र चिंतन करके उसमें हर चीज का मॉडल बना रहा है और इतना पावरफुल बना रहा है कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा, और उसको रिफाइन करने के लिए जो स्किल्ड लोग हैं जो जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है उनको इकट्ठा करके टास्क फोर्स बना के उसके पकाने की जिम्मेवारी भी हम लेते हैं, पका के आपके पास लेके आएंगे, और फिर नहीं मानोगे तो आपको रिप्लेस कर देंगे, वो भी बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसे 543 भागीरथी लोग जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं जो 10-10 लोगों को जोड़ के 100 करोड़ की जनता तक हमको पहुंचाएगा, हम 100 करोड़ लोग उसे जो है निमित्त मानकर जो है विजयी बना देंगे। बढ़िया है सर, मतलब तो हमारा ये है, तो मैं जो है सुनील जी हमारी जनरली बहुजन संवाद जो है यूट्यूब चैनल है, 4 साल से हम लोग चलाते हैं, ओके, डेली उस पे शो करते हैं 6 से 7, ओके, 2500 उसके एपिसोड कर चुके हैं, ओके, तो आपसे कभी उस पर भी बात करेंगे। बहुत सुंदर नहीं, आप जब कहेंगे हम तो अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने भी यूट्यूब चैनल चलाई हुई है क्राइम फ्री भारत मिशन की, जिसमें 6000 से ज्यादा जो है वीडियोज और वो सब हैं, सेशन है, लाइव सेशन है, बच्चों से बातचीत है, साइंटिस्ट से बातचीत है, क्योंकि पहले हम लोगों को इंटर्नशिप देके प्रोजेक्ट करा रहे थे डीजी, मैं क्या आपको एक अनोखा डीजी मिला होगा जो साइंटिस्ट को लोगों को जोड़कर मॉडल साइंटिफिक मॉडल तैयार किया, हमने साइंटिफिक मॉडल तैयार किए हुए, मतलब उसमें हमने यूनिवर्सिटी से MOU की, वहां के बच्चों को इंटर्नशिप दी, उनको जो है ना मॉडल्स दिए, उनको उसकी टेक्नोलॉजी बनाई और उसको एवेल्युएट करके 12 तो हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई है, 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जी, राइट तो हम लोग जो है संपर्क में चल रहे ना, राइट, हम लोग जरूर संपर्क में रहेंगे सुनील जी, हमारी आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारा जनरली संवाद रिकॉर्डेड होता है तो आप देशवासियों के नाम पे क्या संवाद क्या संदेश देना चाहेंगे, आप एक बहुत सही व्यक्ति मुझे मिले हैं, और मैं मुझे सच में लग रहा है कि इसके पहले हमारी और आपकी बातचीत क्यों नहीं हुई, जबकि हम एक ही प्रदेश में थे। हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग कभी मिलते भी हैं भोपाल में, ठीक आता रहता हूँ रेगुलरली, ठीक है, तो जब आपका अगला प्रवास होता है तो हम लोग साथ में बैठते भी हैं। हाँ, बिल्कुल, उनको भी बुलाएंगे, वकील साहब को भी, ठीक है ना, हम लोग मुलाकात करते हैं, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत